हरियाणा पुलिस ने गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के रुकन असेंबली इमाम खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नोह में एक बार फिर कशीदगी नजर आ रही। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए 16 सितंबर तक इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी और पूरे जिले में ये दफा 144 नाफिज कर दी। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी से जुमे की नमाज घर पर अदा करने की अपील की गई थी। डिप्टी कमिश्नर नोह ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया था। हुक्मनामे में कहा गया कि हरियाणा हुकूमत ने 2 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS पर पाबंदी लगा दी है। ख्याल रहे कि मोमिन खान को जुमेरात की रात राजस्थान के अजमेर से नो में मुबैन तौर पर तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। रुकन असेंबली वायरल बुखार की वजह से पुलिस तहकीकात में शामिल नहीं हो सके थे। मोमिन को नो अदालत में पेश करने से कबल शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।